हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज नए ईयर के अंदर आसूस के लेटेस्ट 11 जनरेशन के लैपटॉप की आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। उसका मॉडल है K513E। अभी रिसेंटली में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है और आज देखेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी परफॉर्मेंस और आसूस ने क्या अपग्रेड किया है इस लेटेस्ट वर्जन के अंदर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 40 से 42 हज़ार रुपये के आसपास अगर कोई लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो, वो भी एकदम लेटेस्ट, तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और यहां ऊपर की तरफ ही दी हुई है आसूस की सील। इसको यहां से करते हैं रिमूव और लैपटॉप को निकालते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, ये आसूस की टैगलाइन है इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। लैपटॉप को निकालते हैं सबसे पहले बाहर और बॉक्स कंटेंट में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो ये स्टार्टिंग में दी हुई है पावर केबल और अच्छी क्वालिटी की आती है पावर केबल। और यहाँ इसके कर लेते हैं एडाप्टर की बात, तो यहाँ 65 वोल्ट का एसी पावर एडाप्टर दिया हुआ है आसूस की। यहाँ दी हुई है ब्रांडिंग और फ्रेंड्स, ये हैं इसके बेसिक से यूजर मैनुअल। जब भी आप फ्री हो तो आप इन्हें रीड कर सकते हो। ये दिया हुआ है HDD किट। इसके अंदर अगर आपको SSD अगर वो लगानी हो अलग से इंटरनल इसके अंदर, तो वो आप इसमें लगा सकते हो। ये साथ ही दिया हुआ है कंपनी का। यहाँ दिए हुए हैं आसूस योग बुक की तरफ से अपने लैपटॉप में आप लगा सकते हो स्टिकर्स, और वो भी अलग अलग है। क्या बात है, काफ़ी यूनिक आप लैपटॉप की डिज़ाइन कर सकते हो इन स्टिकरों को लगा के। मज़े आने वाले हैं, मैं बाद में इनको लगा के बताऊँगा। और सबसे मेन, लैपटॉप को निकालता हूँ मैं बाहर। और फ्रेंड्स, ये है आसूस का फर्स्ट लुक और यहाँ दी हुई है आसूस वीवो बुक की ब्रांडिंग। और क्या बात है, क्या लुकिंग दी है इस बार कंपनी ने इस लैपटॉप की। मैं कलर की मैं बात करूँ तो ट्रांसपेरेंट सिल्वर कलर दिया हुआ है। लैपटॉप के लेफ्ट साइड पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ दो दिए हुए हैं 2.0 USB पोर्ट और यहाँ आगे की तरफ भी मिल जाती है आपको LED इंडिकेटर्स। लैपटॉप के राइट साइड पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ दिया हुआ है चार्जिंग पोर्ट और यहाँ आपको मिल जाएगी HDMI पोर्ट, और ये मिलता है यहाँ अपने को 3.2 USB पोर्ट, और यहाँ टाइप सी भी अपने को मिलेगा 3.2 USB। यहाँ दिया हुआ है हेडफोन और माइक्रोफोन के लिए कॉम्बो जैक। यहाँ लास्ट में दिया हुआ है माइक्रो SD कार्ड रीडर स्लॉट। लैपटॉप की मैं बैक पैनल की बात करूँ तो चार छोटे छोटे रबर ग्रिप दी हुई हैं जो आपके लैपटॉप में एक अच्छी ग्रिप और एक अच्छी कूलिंग बनाए रखेंगे। यहाँ नीचे की तरफ ही दिया हुआ है एयर वेंट और यहाँ जस्ट नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं ड्यूल स्पीकर, और यहाँ नीचे की तरफ ही दी हुई है विंडो 10 का लोगो जो बताता है कि आपके लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो 10 प्री इंस्टॉल आपको मिली है। लैपटॉप को जल्दी से कर लेता हूँ मैं ओपन। लैपटॉप में वेबकैम की बात करूँ तो HD वेबकैम दिया हुआ है, और यहाँ जो माइक की बात करें तो वो नॉइस कैंसिलेशन माइक के साथ यहाँ दिया हुआ है। और डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है। और इसमें फ्रेंड्स, आपको सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को, इसमें आपको ब्लू लाइट जो निकलती है बाहर उसमें भी आपको सेफ्टी मिलेगी। और बेजल्स की यहाँ मैं बात करूँ तो बिल्कुल स्लिम बेजल प्रोवाइड करवाई है कंपनी ने, और यहाँ आसूस वीवो बुक की यहाँ ब्रांडिंग आपको देखने को मिली रही है। इस लैपटॉप में मैं कीबोर्ड की मैं बात करूं तो इल्यूमिनेटेड चिकलेट कीबोर्ड दिया हुआ है विथ न्यूमेरिकन की के साथ, और आपको ये बैकलिट कीबोर्ड मिलेगा। और यहाँ एंटर में कुछ अलग ही कलर मेंशन किया हुआ है। जब मैं लैपटॉप को बूट सेटअप रेडी कर लूँगा
तब देखते हैं लाइट जलती है क्या होता है। और यहाँ फ्रेंड्स नीचे दिया हुआ है इंटेल कोर i3 11 जनरेशन का लोगो, और साथ ही में नीचे यहाँ दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। फ्रेंड्स इस लैपटॉप में मैं टच पैड की मैं बात करूँ तो यहाँ मल्टी टच सपोर्टेड है, और आपको साथ ही में सिक्योरिटी के लिए मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर। कीबोर्ड के जस्ट नीचे यहाँ दी हुई है ब्रांडिंग हरमन गार्डन, और जो इसमें साउंड प्रोवाइड करवाया है पहले सोनिक मास्टर करवाती थी, लेकिन JBL में जो साउंड प्रोवाइड करवाती है कंपनी वो इस बार इसमें प्रोवाइड करवाई है कंपनी ने, और अच्छा ऑडियो अपने को मिलेगा। और यहाँ नीचे ASUS VivoBook 15 के कुछ हाईलाइट फीचर्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। और लैपटॉप को मैं जल्दी से कर लेता हूँ बूट सेटअप और फिर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ अपना लैपटॉप बूट हो चुका है, और बूट होने में केवल 1 मिनट का टाइम ही लगा है। अब देखते हैं इसमें कौन सी कंपनी की तो SSD प्रोवाइड करवाई है कंपनी ने। इस लैपटॉप में देख लेते हैं इसकी, कर लेते हैं प्रॉपर्टी को चेक। तो यहाँ सबसे पहले इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज 64 बिट में आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए। इस लैपटॉप में यहाँ मैं प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो 11 जनरेशन का प्रोसेसर दिया हुआ है इंटेल कोर i3, और फ्रेंड्स यहाँ 3.0 क्लॉक स्पीड है। अब आप देख लो अभी 10 जनरेशन के अंदर 1.0 प्रोसेसर आता था तो वो कहाँ इतनी स्पीड मिलती अपने को। यहाँ कंपनी ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। और यहाँ मैं मेमोरी की बात करूँ तो 4GB DDR4 रैम दी हुई है, और इसमें चेक कर लेते हैं SSD कौन सी कंपनी की दी हुई है और कितने GB की अपने को मिलेगी। तो यहाँ इसमें 256 GB की NVMe WD कंपनी की यहाँ SSD प्रोवाइड करवाई है कंपनी। यहाँ स्टोरेज कुछ और 512 GB का होता तो कुछ और भी मज़े आते। 15.6 की डिस्प्ले दी हुई है ही, और टेस्ट कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस। इस लैपटॉप की वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं हरमन गार्डन कैसा ऑडियो प्रोवाइड करवाया है इस बार इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप के वेबकैम की भी क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो लाइनिंग सी आ रही है वो पीछे वाइट कलर दिया हुआ है, इस वजह से ये लाइनिंग रिफ्लेक्शन आ रहा है, और HD वेबकैम वैसे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था ASUS का i3 11 जनरेशन लैपटॉप, और जो मैंने इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट की क्या बात है, बहुत लाजवाब मेरे को इसकी परफॉर्मेंस लगी इस लैपटॉप की। और जो इसमें सबसे ज़्यादा लेटेस्ट सभी वर्जन दिए हैं वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंटेल कोर i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर दिया हुआ है, क्लॉक स्पीड की मैं बात करूँ तो 3.0 GHz। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रोसेसर बहुत दमदार दिया हुआ है, और स्टोरेज की मैं बात करूँ तो 256 GB की NVMe SSD दी हुई है। और अगर आपको स्टोरेज और चाहिए जैसे हार्ड ड्राइव अगर आपको लगाना है लैपटॉप में
तो उसके लिए आपको ये किट मिलती है, साथ में लैपटॉप की साथ ही आपकी 500 GB, 1 TB, 2 TB तक आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। इस लैपटॉप में मैं मेमोरी की बात करूँ तो यहाँ 4 GB DDR4 रैम दी हुई है, 3200 MHz की रैम लगी हुई है और आप उसे अपग्रेड कर सकते हो 16 GB तक है। अब फ्रेंड्स 4 GB रैम ही 3200 MHz, आप देख लो कितना लेटेस्ट प्रोडक्ट यूज किया गया है इसमें। फ्रेंड्स इस लैपटॉप में मैं बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है और आपको इस लैपटॉप में मेटल बॉडी नहीं मिलेगी। और जो इसमें साउंड प्रोवाइड करवाया है वो है हरमन कार्डन और ऑडियो भी आपको मैंने टेस्ट कराया, क्या क्वालिटी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। और फ्रेंड्स इस लैपटॉप के वेट की मैं बात करूं तो 1.7 kg का वेट दिया हुआ है और बैटरी बैकअप की बात करें तो 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगा। ओवरऑल फ्रेंड्स सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक मिल जाएगा, सिक्योरिटी में भी आपको यहां अपग्रेड के लिए कोई इशू नहीं मिलेगा। इस लैपटॉप की मैं प्राइसिंग की मैं बात करूं तो ये 42 से 43,000 के आसपास मार्केट में आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। और इस लैपटॉप की मैं वैल्यू फॉर मनी की मैं बात करूं तो इस प्राइस में मेरे को एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको सब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई है इस बार आसूस ने। और फ्रेंड्स मेरा अगर आप ओपिनियन लेना चाहते हो तो मेरे को तो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा लगा, अगर आप परचेज करने की सोच रहे हो तो परचेज कर सकते हो, वैल्यू फॉर मनी आपको मिल जाएगी। ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरेज कम लग रहा है, 256 GB की NVMe SSD दी हुई है तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको 500 GB, 1 TB, 2 TB तक अगर आपको चाहिए अलग से हैं तो आप इंटरनल या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव परचेज कर सकते हो। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चारों तरफ फैला दिया करो। फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।